दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे सगे भाई और बहन हैं जो लगातार काम करते आ रहे हैं। इनमें से कई सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कभी एक साथ में काम किया है, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो लगातार फिल्मों में काम करते हुए भी कभी एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। जैसे सलमान खान अपने दोनों भाइयों अरबाज और सोहेल खान के साथ अलग अलग फिल्मों में एक साथ काम किया, और सनी देओल ने बाबी देओल के साथ अपनी यमला पगला दीवाना और दिल लगी में काम किया है। लेकिन दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से दो बड़े सुपरस्टार सगे भाई ऐसे भी हैं जो बरसों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने बरसों से फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी कभी भी एक साथ काम नहीं किया है। इन दोनों भाइयों ने अपनी प्रतिभा से उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना एक बड़ा फैन बेस तैयार किया है, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी तरक्की के लिए एक दूसरे की पॉपुलैरिटी का फायदा नहीं उठाया है। दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों सगे भाई हैं कार्थी और सूर्या। सूर्या की हिंदी डब फिल्मों के जरिए उत्तर भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। सूर्या ने जय भीम जैसी पैन इंडिया फिल्म की है, लेकिन इससे पहले भी उनकी सिंघम और गजनी जैसी फिल्मों के हिंदी में रीमेक बने हैं। वहीं कार्थी भी उत्तर भारतीय दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का भोला के नाम से हिंदी में रीमेक बनाई गई है, जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल निभाया है। साथ ही कार्थी ने अपनी साउथ की हिंदी में डब फिल्मों और पैन इंडिया फिल्म PS1 और PS2 के जरिए भी लोकप्रियता हासिल की है। दोस्तों, कार्थी और सूर्या की गिनती तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में की जाती है, लेकिन इनके प्रशंसकों को हैरानी इस बात की रहती है कि आखिर इन दोनों भाइयों ने कभी भी एक साथ फिल्मों में काम क्यों नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, दोनों भाई एक दूसरे का सपोर्ट और उनकी फिल्मों के तारीफें जरूर करते रहते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले साउथ इंडिया के एक रियलिटी शो में कार्थी ने डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन से सूर्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बातें की हैं। दोस्तों, कार्थी ने कहा है कि सूर्या के साथ काम करना एक अद्भुत अनुभव होगा और वह चाहते हैं कि साथ में काम किया जाए। कार्थी ने कहा कि वह दोनों भाई काफी सेलेक्टिव हैं, जिसकी वजह से एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। कार्थी ने कहा कि अगर हम दोनों भाई किसी फिल्म में काम करते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट संतोषजनक होनी चाहिए। दोस्तों, कार्थी ने ये भी बताया था कि एक बार SS राजामौली साहब ने बहुत पहले सूर्या के साथ एक आइडिया शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा होगा कि अगर हम दोनों भाई एक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करें। कार्थी ने आगे बताया कि यह हमें भी दिलचस्प लगा था, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। दोस्तों, क्या आप लोग भी साउथ इंडिया की फिल्में देखते हैं? अगर देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कार्थी और सूर्या की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी है।